हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसोई अंबर सरिया। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कराची हलवा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और प्रॉपर मेजरमेंट्स आपको बताऊंगी जिससे आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है 1 कप, इसे अरारोट भी बोलते हैं। और 1 कप कॉर्नफ्लावर के अंदर 2 कप प्लस 1/2 कप वाटर मैं ऐड करूंगी, यानी अगर आप कटोरी से बना रही हैं तो 1 कटोरी कॉर्नफ्लावर के अंदर 2 कटोरी प्लस 1/2 कटोरी पानी लगेगा। इसे अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। अब शुगर सिरप बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी प्लस 2 चम्मच ऊपर और चीनी ऐड की है, और इसके अंदर 2 कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। वही कप यूज़ किया है जिस कप से मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और अब इसे डिज़ोल्व होने के लिए गैस के ऊपर रख देंगे। चीनी मेल्ट हो जाने के बाद आपको इसके अंदर 1/2 चम्मच नींबू का ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। नींबू मिक्स होने के बाद इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले एक बार दोबारा इसे मिक्स कर लें क्योंकि ये बर्तन के नीचे बैठ जाता है। अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगे और इसे बनने में टाइम लगता है। इसे लगातार चलाते हुए पकाना है और जैसे ये पकना शुरू होगा ये थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और इसका कलर चेंज होके ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और इसका कलर अब ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। 5 मिनट और इसे पकाएंगे और देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच देसी घी के मिला के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जैसे ही हमारा देसी घी आप देखें मिक्स हो गया है, अब मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड करूंगी। मैंने ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है, आप येलो भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास कलर अवेलेबल है आप वो ऐड कर लें। इसे अच्छे से दोबारा मिक्स करेंगे और जैसे ही हमारा कलर अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर मैं थोड़े से सीड्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं और साथ ही में मैंने इलायची पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे किसी मोल्ड के अंदर रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए, और मोल्ड को पहले मैंने घी लगा के रखा हुआ था। अब इसे 4 से 5 घंटे के लिए मैं छोड़ूंगी और अच्छे से ठंडा होने दूंगी, सेट होने दूंगी। ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, आपके पास जो ड्राई फ्रूट है आप वो ऐड कर सकते हैं। अब इसे 4 घंटे के लिए हम छोड़ेंगे ताकि ये सेट हो जाए और इसे रूम टेम्परेचर पे रखना है। 4 घंटे के बाद ये सेट है और इसे मैं इस प्लेट में निकाल रही हूँ। अब इसे किसी भी शेप के अंदर आप कट कर सकते हैं, मैं इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से सेट हुआ है। फ्रिज के अंदर मैंने इसे नहीं लगाया था, रूम टेम्परेचर पर ही इसे सेट किया है। तो हमारा कराची हलवा बन के तैयार है, आप इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।